आज का वीडियो लेक्चर टेबलेट डोजेज फार्म फार्मोलेशन के बारे में है तो आज के लेक्चर में हम लोग टेबलेट डोजेज फार्म के वेरियस स्टेप्स को सीखेंगे कि टेबलेट डोजेज फार्म कैसे बनता है तो टेबलेट डोजेज फार्म के फार्मलेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है हम एक एक स्टेप को तफसील से पढ़ेंगे और सीखेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो टेबलेट डोजेज फार्म के फार्मुलेशन में इन्वॉल्व है वो है वो है सलेक्शन ऑफ अ ग्रेनोलेशन मेथड तो दोस्तों टेबलेट मुख्त तरह की ग्रनोलेशन मेथड से बनाई जा सकती हैं जैसे कि ड्राई ग्रीनोलेशन या डायरेक्ट कंप्रेशन जिसे हम कहते हैं या स्लगिंग या टेबलेट वेट ग्रेनोलेशन मेथड से बनाई जा सकती हैं डायरेक्ट कंप्रेशन या ड्राई ग्रीनोलेशन मेथड बहुत ही आसान स्टेप है तो नॉर्मली ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्टिफार्मासग्रीडियंट जिनका वजन कम हो या जो हीट सेंसिटिव हो या जो लाइट सेंसिटिव हो या जो डायरेक्टली कंप्रेसिबल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन या ड्राई ग्रेनोलेसन या स्लगिंग जिसे कहते हैं उस मेथड से हम लोग ऐसे टेबलेट को फार्मूलेट करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं ऐसे टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ही कम कास्ट और बहुत ही कम वक्त लगता है जबकि ऐसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिनका वजन ज़्यादा हो या जो हीट और लाइट स्टेबल हो उनका हम लोग हीट और मॉइसचर स्टेबल हो तो ऐसे एक्टिव फार्मास को हम लोग वेट ग्रेनोलेशन मेथड से बनाते हैं डबल कंप्रेशन में ये होता है ये स्लगिंग जिसे हम कहते हैं कि इसमें हम लोग पहले स्लग बनाते हैं उन स्लग को फिर क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऐसे पाउडर को कंप्रेस करके टेबलेट बनाते हैं ये नॉर्मली उन पाउडर के लिए यूज़ होता है जिनका फ्लो रेट कम हो इन जो अच्छी फ्लो ना देते हो तो ग्रेनोलेशन मेथड सेलेक्शन के बाद हम लोगों टेबलेट का टारगेट वेट या वेट पर टेबलेट कैलकुलेट करते हैं वेट पर टेबलेट कैलकुलेशन में कुछ बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए सबसे पहली बात कास्ट की है तो ऐसा वेट पर टेबलेट सेलेक्ट करना चाहिए जो कि कास्ट इफ़ेक्ट फार्मोलेशन दे हमें यानी कि कम कास्ट पे अच्छी टेबलेट बन जाए और टेबलेट के बाकी पैरामीटर भी इफेक्ट ना हो तो सलेक्शन करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए कि वेट पर टेबलेट इंतहाई मौजू से सेलेक्ट करना चाहिए और ये वेट पर टेबलेट क्योंकि इसमें एक्सीपियट भी होते हैं तो ये प्रॉपर फ्लो और प्रॉपर होमोजीनियस मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इंश्योर करें कि इसमें एक्सीपिय में एक्टोफार्मासग्रीडियन एक प्रॉपरली और होमोजीनियसली मिक्स हो और तीसरी बात इसमें जो मद्नजर रखनी चाहिए वो है कि ये प्रॉपर टेबलेट को बल्क दे अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि हम लोग टेबलेट में कौन कौन से एक्सीपेंट ऐड करेंगे एक्सीपेंट सेलेक्ट करते वक्त कुछ बातें मद्देनज़र में रखनी चाहिए जो कि यह है कि एक्सीपेंट हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ कंपेटेबल हो और हमारी मशीनरी की नीड के मुताबिक हो और हमारे टेबलेट को एक प्यारा सा शेप दे दें तो कुछ एक्सीपेंट फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं जो कि हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल फार्मासग्रेडियंट के साथ कम्पेटिबल नहीं होती है मिसाल के तौर पर मैगनीशन स्टीरियट इस एसिड के साथ इनकम्पेटिबल है तो इस फार्मोलेशन में हम लोग मैग्नीशियम स्टीरेट की बजाय बोरेक एसिड डालते हैं और एक्सीपमेंट को हमेशा के लिए इनके परमिशिबल लिमिट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए परमिशिबल लिमिट का पता हमें हैंडबुक बुक का फार्मासूटिकल एक्सीपेंट की किताब से पता चलता है और हमारी एक्सीपेंट हमेशा के लिए हमारी मशीनरी की नेट के मुताबिक हो ऐसी के कुछ मशीनरी ऐसी होती हैं जिनको लोब्रिकेंट की ज़्यादा मेदार की ज़रूरत होती है तो ऐसी मशीनरी पर अपने फार्मोलेशन को एडजस्ट करने के लिए हमें लोब्रिकेंट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी डालनी पड़ती है लेकिन ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हमारी क्वांटिटी हमेशा के लिए परमिशेबल लिमिट के अंदर हो जो अहम बात है वो ये है कि हमारी टेबलेट का एक स्पेशल शेप भी आ जाए क्योंकि एक्सीपेंट हम लोग टेबलेट में एक डिज़र्ट शेप डालने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे टेबलेट का शेप भी हमारे एक्सीपेंट के क्वांटिटी और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है तो हम एक को सेलेक्ट करते वक्त इंतहाई मुख्तात रहना चाहिए अब आते हैं हमारे टेबलेट की जनरल फार्मोलेशन की तरफ ये फार्मोलेशन डायरेक्ट कंप्रेशन या ड्राई ग्रेशन के लिए है और ये एक जनरल फार्मूलेशन स्ट्रक्चर है इस फार्मोलेशन स्ट्रक्चर पे कोई भी डायरेक्ट कंप्रेशन की टेबलेट आप बना सकते हैं तो इसमें हम लोग एक फार्मासूटिकल इन्ग्रीडियंट को एक्स मिलीग्राम से डिनोट करते हैं या फेलर फॉर एग्जांपल ए वी को वाई मिलीग्राम से डिनोट करते हैं ऐसे फार्मोलेशन में डिसइंटीग्रेंट फॉर एग्जांपल सोडियम स्टार्ज ग्लैकोरेट जो इसका प्राइमोज ब्रांड बहुत मशहूर है वो फोर परसेंट डलता है मैग्नीशियम स्टीरेट ऐसे फार्मोलेशन में वन परसेंट तक ऐड करते हैं एरोसेल या कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू हंड्रेड एस साइज इसमें वन परसेंट तक यूज़ करते हैं टालकम फोर टू टेन परसेंट यूज़ हो सकता है यह ऑप्शनल है तो टालकम की हम लोग क्वान्टिटी ऑप्टिमम पाँच परसेंट तक डालते हैं जनरली तो ये जो डिसंटीग्रेंट की फोर परसेंट मैग्रेशन स्टीरेट और डाइऑक्साइड की एक एक परसेंट हमने डाली है ये ऑप्टिमम लेवल कहलाती है जबकि फोर टू टेन परसेंट टेलकम का परमेसेबल लिमिट होता है तो इस फार्मूले में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का वेट तो हमें मालूम होता है और तो फिलर का वेट मालूम करने के लिए जो हमारा टोटल टेबलेट का पर वेट टेबलेट वेट होता है उससे हम लोग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और बाकी एक्सीपेंट के वेट को माइनस करके हम लोग डायलेंट या फिलर का वेट मालूम कर सकते हैं अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किसी टेबलेट में टेन मिलीग्राम यूज़ होता हो तो ऐसे फार्मूली के लिए बाकी चीज़ें किस मकदार में डालें डालेंगे ये मालूम करने के लिए आइए हाँ इस फार्मोलेशन को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट एक्टिफार्मासग्रीडियंटा दस मिलीग्राम है मिसाल के तौर तो पर बाईसोप्रलोल है और हमारे टेबलेट का टारगेट वेट एक मिलीग्राम है तो ऐसे टेबलेट में हम लोग ये बाकी चीज़ें किन किन मकदारों से डालेंगे आइए ये एक्सप्लेन करके देखते हैं तो डिसंटीग्रेट डिस फॉर एग्जांपल सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट या प्राइमोजेल जो कि फोर परसेंट के हिसाब से डलता है फोर डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई वन एटी ये आ जाएगा हमारे पास सात एशार्या दो मिलीग्राम पर टेबलेट मैग्नीशियम स्टीरेट जो कि वन परसेंट ऑप्टिमम लेवल के हिसाब से डलता है इसको हम लोग एक डिवाइडेड बाई सौ मल्टीप्लाइड बाई वन एटी तो ये हमारे पास आ जाएगा एक आठ मिलीग्राम पर टेबलेट एरोसेल भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे वन परसेंट है एक डिवाइड बाई सौ मल्टीप्लाइड बाई वन एटी तो ये हमारे पास वन एटी मिलीग्राम आ जाएगा टेलकम को क्योंकि हम लोग ऑप्टिमम पाँच परसेंट तक यूज़ कर सकते हैं ये ऑप्शनल है अगर ज़रूरत हो तो डालें अगर ज़रूरत ना हो तो ना डालें तो पाँच बटा सौ जरबे एक सौ अस्सी यह हमारे पास आ जाएगा नौ मिलीग्राम पर टेबलेट अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और बाकी इन सब वेट को हम लोग जमा करके टारगेट वेट या वेट पर टेबलेट से मनफी करेंगे तो हमारे पास डायलवेंट या फेलर का वेट आ जाएगा हमारे पास वेट पर टेबलेट इस एग्ज़ाम्पल में 180 मिलीग्राम है तो 180 मिलीग्राम माइनस उनतीस इशारे आठ मिलीग्राम करेंगे तो हमारे पास एक सौ पचास एशारे दो मिलीग्राम पर टेबलेट आएगा ये एक सौ पचास इशारा दो मिलीग्राम पर टेबलेट हमारे पास माइक्रोक्रिस्टल सेल डोज या ई सेल जो कि फेलर के तौर पर यूज़ होता है इसका वेट होगा अब हम डायरेक्ट कंप्रेशन फार्मोलेशन की एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं इस फार्मूले में हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन से टेबलेट बनाते हैं और इसमें फिलर्स या डायलवेंट हम लोग माइक्रोक्रिस्टलाइन सिलोज और इलेक्टोज स्प्रेड्राइड 100 ग्रेड यूज करेंगे ये इलेक्टोस्प्रेड्राइड डायरेक्टली कंप्रेसिबल ग्रेड है तो ऐसे टेबलेट में फॉर एग्जांपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हम लोग एक्स मिलीग्राम से डिनोट करते हैं इलेक्टोस्प्रेड्राइड हंड्रेड मेश ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल ग्रेड है एलेक्ट्रोज का इसकी क्वांटिटी को हम वाई मिलीग्राम से डिनोट करेंगे एवी सेल एक सौ दो एम आई क्रिस्ल सेलोज ये हमारे पास ट्वेंटी फाइव परसेंट डलता है ऐसे फार्मोलेशन में डिसंटीग्रेंट जैसे कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया जिसका मशहूर ब्रांड जेल है ये फोर परसेंट डलता है मैग्नीशियम स्टीरेट वही वन परसेंट तक यूज़ होता है एरोसेल बी वन परसेंट और टेलिकम तिलक, ओ टू टेन परसेंट यूज़ होता है ये ऑप्शनल होता है तो अब देखते हैं इस फार्मोलेशन पे एक मिसाल मिसाल के तौर पर हम लोग डाइलोफेनिक टेबलेट बनाते हैं डाइकलोफेनिक सोडियम जिसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का वज़न 50 मिलीग्राम होता है तो ऐसे टेबलेट के लिए हम लोग टारगेट वेट फॉर एग्जांपल 250 मिलीग्राम सेलेक्ट करते हैं उनकी ऐसी टेबलेट 250 मिलीग्राम पे ज़बरदस्त बनती हैं तो इसके लिए माइक्रोक्रिस्टलाइन माइक्रोक्रिसोस का कित, कि कितनी क्वान्टिट्टी हम लोग डालेंगे तो हम लोग टू फिफ्टी करते हैं टू फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट आता है हमारे पास बासठ हार पाँच मिलीग्राम प्राइमोजेल या डिसंटीग्रेंट फोर बटा साओ मल्टीप्लाईड बाई टू फिफ्टी मिलीग्राम तो यह हमारे पास आ जाएगा टेन मिलीग्राम मैग्नीशियम स्टीरेट वन परसेंट चूँकि डलता है तो एक बटा साव हज़ार दो सौ पचास मिलीग्राम दो सौ पचास मिलीग्राम वेट पर टेबलेट है इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू पॉइंट फाइव मिलीग्राम रिसेल कन डाईक्साइड ये भी वन परसेंट तक यूज़ होता है तो ये भी टू पॉइंट फाइव मिलीग्राम इस फार्मूले में डालेंगे टेलकम वही ऑप्शनल है अगर ज़रूरत हो यानी के यानी के फार्मेशन अगर फ्लो में मसला करे तो टेलकम ऐड कर सकते हैं टेलकम का ऑप्टिमम लेवल पाँच परसेंट है तो पाँच बटा सौ ज़रूरी दो सौ पचास करेंगे हमारे पास बारह अठारह पाँच मिलीग्राम आएगा अब इन सारे इंग्रेडिएंट के वेट को जमा करेंगे और साथ में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का वेट भी जमा करेंगे और इस सम को वेट पर टेबलेट से माइनस करेंगे तो जो भी फिगर डिजिट आएगा वो हमारे पास लिक्टोसप्रेड्राइड का वेट होगा हमारे पास दोस्तों 250 मिलीग्राम पर टेबलेट टारगेट वेट है बाकी सम 140 मिलीग्राम है तो हमारे पास लिकटोसप्रेड्राइड का वजन 110 मिलीग्राम इस फार्मोलेशन में यूज़ होगा ए फार्मोलेशन हाई स्टेबल फार्मोलेशन है इस पे आप किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बना सकते हैं जिसका वजन 50 से 75 मिलीग्राम हो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर फार्मेशन की इस तरह की नई नई वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे दोस्तों ये लेक्चर बनाते वक्त बहुत ही मेहनत करते हैं हम लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस वक्त पर आती रहें शुक्रिया